कड़ाके दी ठंड च किसानां ने कपड़े उतार किया प्रदर्शन। खेती बिल नूं वखरे ढंग नाल प्रदर्शन करदिआं रद्द करन दी कीती मंग। मोदी सरकार नूं दर्शा रहे हैं कि तू सानूं मारी मारू नीतियां नाल सानूं नंग पंग बना रहा वा, ते इह तेरियां नीतियां दा इह असर होगा कि लोग बिल्कुल आर्थिक तौर ते नंग पंग हो जाणगे। जिथे किसान दिल्ली बॉर्डर ते बैठे ने उथे अज अमृतसर दे जंडियाला विच बैठे किसानां ने वखरे ढंग नाल प्रदर्शन किया अते खेती बिल नूं रद्द करन दी मंग कीती। खेती बिल नूं रद्द करवाउण दी मंग विच जंडियाला अमृतसर विच किसानां दी हड़ताल अजे भी जारी है। इस दौरान किसानां ने कहा कि इस नाल देश दी आर्थिकता प्रभावित हो रही है। उन्हां कहा कि खेतीबाड़ी बिलां नूं लै के हड़ताल निरंतर जारी है, पर केंद्र सरकार इस वल कोई ध्यान नहीं दे रही। जी अज जो अं कपड़े ला के प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार नूं दर्शा रहे हैं कि तू सानू मारी मारू नीतियां नाल सानू नंग पंग बना रहा वा, ते इह तेरियां नीतियां दा इह असर होगा कि लोग बिल्कुल आर्थिक तौर ते नंग पंग हो जाणगे। ते मोदी सरकार नूं इह कानूनां तों पिछे हटना चाहीदा वा। कड़ाके दी ठंड भी काफ़ी पै रही है, धुंद भी काफ़ी जी डिग्री जी वधदी नज़र आ रही है। बिल्कुल जी, इस ठंड की असी परवाह नहीं करते। अज की रात साढ़े छोटे साहबजादों का सरसा नदी पर विछोड़ा पिया सी, ते असी उन्होंने इतिहास नूं याद करते हुए उन्होंने वारसियां, ते असी यह ठंड साढ़े लिए कुछ नहीं है। साढ़े 90-90 साल के बजुर्ग भी इस धरने के बैठे आ, ते नौजवान जिस पंजाब के नौजवान नशेड़ी कहा जा रहा है, वह नौजवान अज पहलकदमी करके अपने बजुर्गों के नाल अपने वड्डियां नाल हर संघर्ष के गाड़ी अं पहलकदमी करांगे, ते संघर्ष नूं जिथों तक साढ़े आगू कहणगे असी लै के जावांगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब दा आगू मेहर सिंह तलौंडी बोलदा। इह किन्ने दिन हो गया तुहानूं अज बैठे हुए किसे प्रदर्शन करदे? लगभग 92 दिन हो गए अज, जिहड़ा रेलां ते साडा प्रोडक्ट सी उह चल रिहा जी। ते जे कुल मिला के गल कीती जावे कि जागरूक करन लई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दा पूरे 2000 तों लै के अज तक संघर्ष दे विच, क्योंकि जिहड़ियां लोक मारू नीतियां वा उह जकदम नहीं कणियां जांदियां। जिवें कि जे पिछे इतिहास मारीए ना निगाह, ते 1902 दे विच इक अंग्रेज़ां वल्लों नीति घड़ी गई सी कि इह जिहड़ा पैलियां तों खोलीए, उह 2006 दे विच आ के लागू होई सी, ते उदों पूरे 9 महीने संघर्ष चलिया सी, ते अंग्रेज़ां नूं वापस जाणा पिया सी। ते इहो जिहा उह लोकां दा गठजोड़ होया कि जे मैं किते वी गल रोक के कह देवां तुहाडे मते कि मोदी जी नूं वधाई भी देनी चाहुंदा वां, क्योंकि साथीओ जिहड़े लोग सुते सी, जिहड़े पंजाब नूं भंडिया जा रहा सी कि छेवां दरिया चल गया वा, अज उस पंजाब दे नौजवानां ने जिवें पूणियां फड़ के सुट दी जी ना, इधरां पत्थर फड़ फड़ के सुटे हरियाणे दे बार्डरां तों, साबित हो गया कि पंजाब नूं जिहड़ी कि अपनी लीडरशिप आ ये पंड रही आ। पंजाब दे विच नशा नहीं हैगा, नौजवान अज भी शेरां वांगू खलोते आ, पर इहनूं भंडिया जा रहा वा। बहुत भंडर वाला कौन? RSS, क्योंकि साडा पंजाब बार्डर ते लगदा वा, सब कुछ इहनां दा सी, मोदियां दा, अडवानियां दा, बाणियां दा, इहो ही लिआउंदे सी पंजाब, जिहो वेचदे सी। अज साफ गल हो चुकी आ, ते जिहड़ा साडा भाईचारा वा, सब तों वड्डी सानूं जित इह आ कि साडा भाईचारा इकट्ठा हो गया वा। पूरे भारत दे लोक 135 करोड़ लोग पूरे भारत का एक मंच से इकट्ठा हो गया वा, एम मोदी नूं सबक सिखा देंदे, ये तो भाजपा नूं पिंडां च नहीं वड़न देंदे। अज वक्रे प्रदर्शन किया गया, वक्रे वक्रे सूबे में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो लगता कि केंद्र की गूंज हो सकती है कि नहीं हो सकती, जिहड़ा धौं च सरिया मोदी ते फसिया होया? वेखो जी, होगी, लोग राजा लोग वड्डे होगी, इहदे ते कांग्रेस मन चुकी आ, नीपदी वी बिट्टू मन चुका वा। आपदी इंटरव्यू दे विच तेरे दूजे नाल अपने नाल जिहड़ा उह बोलदा वा, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਆਂ ਕਿ 2022 ਆ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 117 ਬੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 117 ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-35 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸੂਬਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ 13 ਦੇ 13 ਗੁੰਮ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖਰਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣ ਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
सबसक्राइब करो चढ़ दिखला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन।